तो अब हम विषय पर एंटर कर रहे हैं ना, इसका मतलब यह है आत्मा को जानना है, आत्मा को जानने के लिए अनात्मा को भी जानना है, आत्मा अनात्मा दोनों को जानना है, आत्मा अनात्मा के बीच के भेद को जानना है, उसी से मुझे मुक्ति मिलेगी। उसके लिए एक शब्द है टेक्निकल, प्रकृति पुरुष विवेक, प्रकृति पुरुष विवेक एक शब्द है, और इसको सोचा एक अलग शब्द है विवेक ख्याति, उस फैकल्टी ऑफ नॉलेज को कहते हैं विवेक ख्याति, प्रकृति पुरुष विवेक, विवेक ख्याति, इसको कई बार विद्या भी कहते हैं। अगर वही विद्या है तो उसके अतिरिक्त सारी अदर देन विद्या है, इसलिए साइंटिफिक नॉलेज को वो लोग क्या कह देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को विद्या कहोगे तो अदर नॉलेज इज आर कॉल्ड अदर देन विद्या अविद्या। तो उपासना कर्म ये सब के सब अविद्या है, क्योंकि विद्या आप किसको कह रहे हैं, तो स्पिरिचुअल नॉलेज को आप विद्या कह रहे हैं, तो और अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड अविद्या। सो अविद्या इज नॉट इग्नोरेंस, ना सर, ये विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या पारिभाषिक है, विद्या अगर पारिभाषिक है उसको प्रकृति पुरुष विवेक को आप विद्या कहते हैं, और सबको आप क्या कहोगे अदर देन विद्या है ना वो, तो उसको अविद्या कहते हैं, कई बार उसको पराविद्या कह देते हैं और इसको अपरा विद्या कहते हैं, तो प्रकृति पुरुष विवेक। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं कि हमारी चाहत क्या है, फिलोसोफर की चाहत क्या है, दुख की, मेरे साथ शब्द बोले दुख की ऐकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की एकांतिक ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय केवल और केवल यह है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त क्या है, प्रकृति, ज्ञ कौन है, इसको आप नोन कह सकते हैं, इसको नोअर, नोअर नोन रियलिटी का ज्ञान, इसका मतलब दुख निवृत्ति किससे होती है प्रीति, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ के विज्ञान से, इसका मतलब दुख किससे होता है, अज्ञान से, अज्ञान को मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है ना, ज्ञान क्या है, ये बात ज्ञान की बात आती है, ज्ञान क्या है, अब यहाँ से बात चलेगी, अब इसको जानने के लिए पूरा का पूरा सांख्य, व्यक्त क्या है अव्यक्त क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इसको जानना, पर इसको जानना कब पॉसिबल होता है, जब हम इसको भी जानते हैं, तो आत्मा वाह, अरे वेद का आदेश क्या है सर, वेद का तो आदेश है आत्मा को जानो बेटा, दुख की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति चाहते हो तो आत्मा को जानो, परंतु आत्मा को जानो इसका मतलब जो नहीं कहा वो क्या कहा, वेद ने नहीं कहा परंतु फिलोसोफर समझ गया, आत्मा को जानना तब पॉसिबल होता है जब मैं अनात्मा को भी जानता हूँ, इसीलिए व्यक्त अव्यक्त जो अनात्मा पार्ट है और ज्ञान जो आत्मा पार्ट है, ये सबको जानना जरूरी है तो दुख निवृत्ति होगी, यहाँ ये बात समझ लेना जरूरी है, किस दुख की आप निवृत्ति करना चाहते हैं, मेरी निवृत्ति की आकांक्षा का विषय जो दुख है वो कौन है मैडम, जो पीछे का दुख है क्या, पीछे के दुख की निवृत्ति कर सकते हैं आप, बचपन में स्कूल जाते हुए अगर क्या कहते हैं बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता होगा, बीच में कुछ लड़के आपको परेशान करते होंगे, उस दुख से निवृत्त हो सकते हैं आप, जो भूत दुख है ना उससे निवृत्ति हो नहीं सकती, ना भूत दुख से निवृत्ति की आकांक्षा किसी को होती है, किसी को भी नहीं होती है, वर्तमान दुख से निवृत्ति हो सकती है, वो तो अनुभव का विषय है, वर्तमान दुख तो आ ही गया, तो दुख किसे कहते हैं, जो फिलोसोफर का जो दुख है वो कौन है, भविष्य, जो अनागत दुख है, याद है ना सर हमने जब योग दर्शन पढ़ा था, जो हेय, हेय माने त्याज्य, हेय कहते हैं त्याज्य, तो हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है ना वह है हेय दुख, जो भूत दुख है वो फिलोसोफर का विषय नहीं है, जो आगत दुख है वो भी विषय नहीं है, जो भविष्य में आने वाला जो दुख है ना उसकी निवृत्ति होगी ज्ञान से, यही है ना सर, अभी वाला दुख कैसे, नहीं हो नहीं सकता ना, लॉजिकल वो अनुभव में आ चुका है, वो तो दुख आप जो प्रयास आप खुद ही देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, आपके जो सारे प्रयास है ना, आप
जा करके स्विच ऑन कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, तो एक क्षण बाद आने वाला जो दुख है ना उससे बचने के लिए कर रहे हैं। और तो दुख तो जो आगत जो है इस समय दुख प्रेजेंट तो होता ही नहीं है, कंटीन्यूअस ऐसे तो करेक्ट प्रेजेंट द फ्लो होता रहता है, प्रेजेंट है ही नहीं है, वो ये तो पास्ट हो गया तो फ्यूचर को। फ्यूचर ऑफ इंडिया इज वेरी ब्राइट जब हम कह रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे भारत का भविष्य सुधरेगा, यही तो कह रहे हैं। और सर स्मृति, वो दुख की स्मृति तो वर्तमान में है, आगे तक दुख ना हो, स्मृति स्मृति तो वर्तमान में आई गया ना, उसकी दुख दुख उसकी हम उसको कहाँ हटाना चाहते हैं, वो तो आई गया है, आगे ऐसी स्मृति ना हो मुझे। तो हेयम दुखम अनागतम, ये है जैसे आयुर्वेद के शास्त्र में तीन चार तरह के शब्द चतुर्व्यूह कहते हैं इसको, एक है रोग, एक है रोग का हेतु और रोग की निवृत्ति और रोग की निवृत्ति का उपाय, चार होते हैं, चतुर्व्यूह कहते हैं सर इसको। हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु माने कारण, कॉज, कॉज, कॉज। ये शब्द आपने अच्छा पूछ लिया था, आगे हेतु शब्द का आएगा क्योंकि अब मैं संस्कृत के शब्द यूज करने जा रहा हूँ, हेतु, हेतु माने कॉज। अनागत दुख, चतुर्व्यूह, अनागत दुख, चतुर्व्यूह, हाँ चतुर्व्यूह, रोग हेतु। आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, रोग है, रोग का कोई हेतु है और रोग की निवृत्ति है और रोग की निवृत्ति का उपाय है, ऐसे ही एक दुख है, दुख का हेतु है और दुख की निवृत्ति है और दुख की निवृत्ति का उपाय। हाँ बौद्ध दर्शन वो सर पहले की बात, लोगों ने बहुत लिखा सांख्य दर्शन में बौद्ध दर्शन का प्रभाव, इस पर लिखा है। अब इदम इत्थम रूप से ना हम संस्कृत के शास्त्रों में बड़ी दिक्कत हुई है, पहले या बाद में कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि आइडियाज वेदों में भी मिलते हैं सभी दर्शनों के, इंटरप्रिटेशन सफरिंग सब जगह है, सब जगह सॉल्यूशन भी है सब जगह, भगवत गीता में दोनों का प्रेजेंट है, भगवत गीता तो प्रॉब्ली सांख्य योग और वेदांत। अब सर ये भी बात है, हां योग का मतलब योग सिस्टम ऑफ फिलोसफी नहीं, सांख्य का मतलब सांख्य सिस्टम, सांख्य माने नॉलेज, नॉलेज वो एक है, नो बट दिस इज ओनली स्पीसी ऑफ दैट नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ आत्मा। हां वो तो सही है, तो नॉलेज वो शंकराचार्य कहते हैं जो सांख्य शब्द का गीता में प्रयोग किया वो वेदांत के लिए है। अभी सर से वही तो बात हो रही थी, शंकराचार्य देखिए, हाँ मैडम ये बात है कि दो दर्शन है ना, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन का सांख्य दर्शन प्रधान मल्ल है, उन्होंने अधिक बहुत अधिक लिखा है सांख्य का खंडन करने के लिए, सांख्य का खंडन करने के लिए उनके लिए प्रधान मल्ल कौन है, मल्ल जानते हैं ना, मल्ल युद्ध, दो पहलवान एक दूसरे के मल्ल, तो मेरे लिए प्रधान मल्ल ये है, मुझे इसको पछाड़ना है, सांख्य को प्रधान मल्ल कहते हैं। प्रधान मल्ल का मतलब क्या होता है, आपका शत्रु वो बातें करेगा जो आपके विपरीत बात करेगा तभी तो वो आपका शत्रु है, मल्ल शब्द का प्रयोग वहाँ इस अर्थ में नहीं है मैडम, याद रखने की बात है। तो ये बहुत नेगेटिव वाली इमोशन है चित्र करने की, नहीं वो तो एक लिखो कि आप एक तरह से आलंकारिक भाषा में कहने का अंदाज है, अंदाज है, क्योंकि सभी दर्शन अपने से भिन्न दार्शनिक परंपराओं का खंडन करते हैं। सांख्य वेदांत अद्वैत वेदांत में अधिक प्रयास किया जाता है सांख्य के मत का खंडन करने के लिए, जबकि सांख्य और वेदांत सिमिलर फिलोसॉफिकल आइडियाज को प्रस्तुत करते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रधान मल्ल तो नहीं हुआ ना वो, जिनके आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, हाँ सिर्फ जिनके आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज बहुत सिमिलर हैं वो प्रधान मल्ल कैसे हो सकते हैं। अगर किसी बीजेपी को किसी और दल से मिलकर के सरकार का निर्माण करना है तो सबसे पहले अप्रोचेबल कौन है, शिवसेना है, दोनों के आइडियोलॉजीज मिलते हैं, समान तंत्र पॉलिटिकल आइडियाज हैं ये, परंतु जब अवगम का प्रश्न होता है दोनों के दर्शन एक जैसे, सूक्ष्म अंतर है, उस सूक्ष्म अंतर को समझना बड़ा कठिन है, ऐसे में चैलेंजिंग है, इस वजह से वो प्रधान मल्ल है, अंडरस्टैंडिंग के व्यू पॉइंट से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि अद्वैत वेदांत और न्याय वैशेषिक इतने डिससिमिलर आइडियाज
को प्रस्तुत करते हैं कि उनमें अंतर को जानना कठिन नहीं है, ये बात है। चतुर्व्यूह की बात को कर रहा था, रोग दुख, दुख का दुख को उन्होंने क्या नाम दिया, हेय। हमारे सारे प्रयास किस तरह के दुख की निवृत्ति की, फिलोसोफर का दुख कौन है, जो अनागत दुख है, हेयम दुखम अनागतम। मैं विद्यार्थियों को ऐसे समझाता हूँ, यहाँ भी बात कही होगी, एक एक 17-18 साल के लड़के को एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रक ने थोड़ा सा मार दिया, टच हो गया, अब इतना ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ और वो बैठे बैठे रोए जा रहा। अगर ऐसा हो जाता नहीं, उसमें कहा कि क्यों रोए जा रहे हो, कितना दर्द कर रहा है क्या, बोले कि नहीं दर्द तो नहीं कर रहा है, बोले फिर क्यों रो रहे हो, बोले उसके पीछे ट्रक के पीछे लिखा हुआ था फिर मिलेंगे। वो जो फिर मिलेंगे है ना, हेयम दुखम अनागतम, भविष्य में क्या होगा, अभी तो इतना करके गया। चोरी होने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगते हैं कि अगली बार जब होगी तो। मैडम ये है ना, अब देखिए, अब हम सांख्य दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं, क्या है अनागत दुख है मेरे लिए, वो है विषय जिसकी निवृत्ति मुझे चाहिए। अच्छा, किसी भी कार्य की निवृत्ति करना चाहे तो सबसे किसको जानना पड़ेगा, ये किस लिए हुआ है, उसका हेतु क्या है, हेतु शब्द है ना। तो अगर आपने एक शब्द का दुख को आपने क्या नाम दिया, हेय, हेय माने त्याज्य, कोई शब्द याद है, त्याज्य समझते हैं, छोड़ जिसको छोड़ देना चाहिए। कई शब्द ना मैडम जो हमारे आपके लिए बिल्कुल सामान्य है ना, वो कई बार बहुत कठिन हो जाते हैं। हेय और एक हेय हेतु, बात आई ना, हेय हेतु, हेतु माने सर कॉज ऑफ हेय। अगली बार मैं अनुवाद पे देख के आ जाऊँगा, हेय हेतु है ना, इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इसको आइडेंटिफाई कर लिया, हेय हेतु। अब तीसरी व्यवस्था क्या है, इसका हान संभव है, हान माने त्याग, हान। इन शब्दों से परिचय आवश्यक है ना, देखिए हेय हेय हेतु और हान माने, हेय हान, हेय माने वो वस्तु दुख, हान माने त्याग, ये त्याज्य है और ये त्याग है, अंतर है ना, त्याज्य सुंदर, त्याज्य और त्याग, त्याज्य को मैं त्यागना चाहता हूँ तो मेरा त्याग, मैं इसको त्यागूंगा, मेरा त्याग हो गया, ये त्याज्य हो गया, वस्तु त्याज्य है। अच्छा, कि जो आप छोड़ रहे हो त्याज्य, हाँ वो वस्तु, दिस इज हेय त्याज्य, और मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, तो हान करना माने त्याग करना, छोड़ना, छोड़ना, टू गेट रिड ऑफ हान, और द कॉज ऑफ हेय और हेय, और अंत में एक शब्द आता है हान का उपाय क्या है, इसको कहते हैं हानोपाय। ये सब के सब सांख्य योग के शब्द हैं, हानोपाय, उपाय किसे कहते हैं, मीन्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दी हेय हेय। फिर से देखिए मेरे साथ बोले, हेय हेय हेतु हान हानोपाय। अब हेय तो दुख है, तीन प्रकार के दुख है ना, कितने प्रकार के दुख है, तीन प्रकार के दुख है, वो सब के सब क्या है, हेय है, हेय हेतु क्या है, वो कॉज क्या है, अज्ञान अविद्या, वो ये कहते हैं पुरुष और प्रकृति के बीच में भेद, वो कहते हैं कि अभी मैंने कहा ना डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब चीजें इंटरमिंगल्ड है, चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हमारे लिए समस्या क्या है कि प्रकृति और पुरुष में संयोग हो गया है, प्रकृति और पुरुष बिल्कुल अलग है, प्रकृति और पुरुष में संयोग हो गया है, ठीक है ना। आप कल्पना करिए, आप जो फिल्म देखते हैं पीछे से पर्दा होता है ना, वो उसमें जो दृश्य हैं वो अपने आप में क्या है, लाइट और पर्दे का संयोग ही तो है, लाइट और पर्दे के संयोग के अतिरिक्त तो क्या है, एक तरह का विन्यास है ना, वो आपको चीज़ें दिख रही हैं, अब उस विन्यास की वजह से आपको तरह तरह के इमोशंस आ रहे हैं। तो प्रकृति बिल्कुल अलग है, पुरुष बिल्कुल अलग है, प्रकृति और पुरुष के बीच में संयोग हो गया, अभी इसकी सृष्टि भी मानसा चलेगी,
प्रकृति और पुरुष के बीच में संयोग होता है तो सृष्टि बनती चली जाती है। तो आप बताइए हे या माने आपने कहा संसार को कह लीजिए, संसार संसार माने दुख, हे तीन प्रकार के दुख, उसका हेतु क्या है? प्रकृति पुरुष संयोग। प्रकृति प्रकृति के लिए एक शब्द का प्रयोग है दृष्ट, पुरुष के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था दृश्य, याद है दृश्य, दृश्य माने मैडम जिसको देखते हैं द नोन और दृक। तो प्रकृति और पुरुष का भेद है ना, तो दृष्टा कौन हुआ उनमें बताइए, दृष्टा कौन हुआ आत्मा, दृश्य कौन हुआ प्रकृति। तो दृष्टा और दृश्य के बीच में संयोग हो गया बस ये दुख, उससे सृष्टि होती है। अभी उसको सृष्टि में मानसा बताऊंगा मैं, आज यही करेंगे। प्रकृति और पुरुष में क्या हो गया, संयोग हो गया। तो हेय का हेतु क्या है, दुख का हेतु क्या है, संयोग। संयोग का हेतु संयोग है, संयोग से उत्पन्न सृष्टि। मैं अकेले ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। प्रकृति स्वयं में और पुरुष स्वयं में अलग अलग रहें तब कोई समस्या नहीं है, प्रकृति और पुरुष में संयोग हुआ। अभी इसकी सांख्य दर्शन यहाँ से शुरू होता है, प्रकृति और पुरुष में संयोग क्यों हुआ भाई? मैंने क्या बताया दुख का कारण क्या है मैडम, संयोग। संयोग का कारण क्या है, हाँ वो अभी आएगा। संयोग का कारण क्या है, वो कहता अविद्या। अविद्या की वजह से, अब ये अविद्या का कॉन्सेप्ट वेदांत में भी और सांख्य में भी बहुत कठिन है। अविद्या एक नेचुरल फेनोमेनन है, अविद्या के कारण प्रकृति और पुरुष में संयोग होता है। अनादि सर्ग है, और ये अविद्या आत्मा में ही होती है। आत्मा अविद्या ग्रस्त हो जाता है पर अविद्या से मुक्त हो सकता है। अभी आइडिया है, ये कठिन है, मैं भी बार बार पूछता हूँ, कोई आचार्य मिलता है ना ये समझाओ, कहता तुम समझ जाओ तो बताना। कुछ कुछ ना सर, एक एक किताब है कार्ल पॉटर की, प्री सपोजिशंस इन इंडियन फिलोसफी, कुछ प्री सपोजिशंस है जहाँ जाके क्वेश्चन नहीं किया जाता, नहीं तो सिस्टम बनेगा नहीं है ना। तो प्री सपोजिशंस है कि अज्ञान एक फिनोमेनन है, उस अज्ञान से अज्ञान की वजह से दोनों में संयोग हो गया, और वो संयोग वास्तविक नहीं है। मान लीजिए कि कल्पना करिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, इधर से एक लाइट पड़ रही है तो मेरे सामने एक शीशा है, ठीक है सर, शीशा है और मैं एक वाइट कुर्ता पहना हुआ हूँ, और वो लाइट कुछ इस तरह से पीली सी लाइट पड़ रही है और उससे उसका रिफ्लेक्शन मेरे में आ रहा है, हाँ, या फिर ऐसी दृश्य कल्पना कर लीजिए कि उस उसमें कुछ 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 काला कुछ कुछ गोरा, मेरा मेरा कपड़ा रंग बिरंगा प्रतीत होता है, मेरा मेरा कुर्ता वैसे प्योर वाइट है परंतु लाइट से आने वाली रिफ्लेक्शन की वजह से मेरा कुर्ता सबको कैसा दिखाई दे रहा, मुझे भी और सबको कैसा दिखाई दे रहा, रंग बिरंगा चित्र 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 रंग का दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब वो चित्र रंग का मेरा एसोसिएशन किसके साथ है, शीशे के साथ, शीशे से आने वाली किरणों की वजह से मेरा कुर्ता जैसा है वैसा ना दिख करके अलग रूप में दिखता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अविद्या की वजह से प्रकृति और पुरुष में संयोग होता, वास्तविक संयोग तो हो ही नहीं सकता है, दिखता है दिखता है जी, इल्यूजन इल्यूजन हो जाता है और इसी वजह से वो दुख में पड़ा रहता है। तो अभी के लिए हम ये समझ लें कि हे अगर दुख है तो हे का हेतु क्या है सर, संयोग, संयोग है। संयोग का हेतु क्या है, अविद्या, अविद्या है। तो अब मुझे हान करना है, मैंने त्याग करना है, और अविद्या अविद्या की वजह से संयोग है, संयोग की वजह से दुख है। तो यदि मुझे दुख से निवृत्ति चाहिए तो इमीडिएटली किससे निवृत्ति चाहिए, अविद्या से, हाँ, संयोग से कारणात् दुखम अस्ति, यदि दुखम नाश्यम अस्ति तर्हि दुःखस्य नाशः केन भवति, संयोगस्य नाशेन भवति, संयोगस्य नाशः केन भवति, किससे होता है, ज्ञानेन, अविद्या के नाश से, अविद्या से। देखो यदि यदि मुझे दुख से निवृत्ति चाहिए तो दुख का कारण क्या है, संयोग, तो दुख की निवृत्ति संयोग की निवृत्ति से हो सकती है।
संयोग किस वजह से है? अविद्या की वजह से है। अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो संयोग की रूल यह है कि कार्य की निवृत्ति तब होती है जब कारण की निवृत्ति हो जाए। कारण की कारण और कार्य समझ, एक तो कॉज एक होता है इफेक्ट, एक होता है कॉज एक होता है इफेक्ट, है ना। इसमें कॉज से कार्य, सिंपल सी बात है, घड़ा है कार्य को कॉज करे, हाँ कार्य में इफेक्ट, इफेक्ट कार्य कार्य सर ऐसा समझ लीजिए सर, घड़ा क्या है, घड़ा कार्य है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लिख रहा था हाँ, कार्य माने इफेक्ट, इफेक्ट अपने आप नहीं हो रहा, नहीं ये कह रहे हैं अभी क्या की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, वो ये कहते हैं कि वास्तविक संयोग है नहीं, सब दिख रहा है। जैसे मैडम देखो स्वप्नावस्था में हम तरह तरह की चीजों से संयुक्त होते हैं ना, स्वप्नावस्था में हम तरह तरह के, स्वप्नावस्था में पता चला मेरा तो महल है एक सपना, फिर आते ना सपना तो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल देख लीजिए ना, हाँ हम कल्पनाओं में भी संयुक्त होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कई बार जो चीज़ें हैं नहीं उसकी भी प्रतीति करा लेते हैं। क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष में संयोग है नहीं, कई बार ये बताइए ये जो एक जो क्षितिज है ना नीचे आता हुआ दिखता है ना, सबको दिखता है ना आकाश, दूर देखिए गांव में तो ऐसा होता है कि दूर देखिए आकाश ऐसे नीचे पृथ्वी से जुड़ा हुआ दिखता है, उसको क्षितिज कहते हैं ना। तोड़ दो इस क्षितिज को, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। ऐसे रिवर के दोनों किनारे दूर में मिलते हुए दिखते हैं। अच्छा ये बताइए आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। शंकराचार्य कहते हैं आकाश का रंग नीला होता है, नीला होता है क्या आकाश? कोई नहीं, आकाश का तो नीरंग है, कोई रंग होता ही नहीं, सबको प्रतीत क्या होता है? नीला। किस वजह से होता है मैडम आप बताइए, किस वजह से होता है? अविद्या की वजह से, क्योंकि हमको पूरा ज्ञान नहीं है, है ना, अविद्या की वजह से होता है। अच्छा यहाँ तक भी मुझे, मैं जब बालक था तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता था, ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, लगता है कि ट्रेन तो सामने वाला ट्रेन जो है ना वो लगता है कि क्या होता है, वैसा होता है ना कि अपनी ट्रेन अगर खड़ी हो ना सामने, अगर स्पीड से कोई ट्रेन चली जाए तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन जा रही है, रिलेटिव मोशन। तो आप तो जानते हैं ना अविद्या की वजह से, वास्तविकता नहीं है, आपकी ट्रेन थोड़ी चल रही होती है, मिराज मिराज भी उससे भिन्न रूप में देखे तो वो अविद्या है। हवाई जहाज में प्रतीत ऐसा लगता है जैसे स्टैटिक हो गए हैं, तो वो स्टैटिक तो नहीं होता, 800 किलोमीटर में चल रहा होता है ऐसा होता है, हाँ तो कुल मिलाकर अविद्या एक तत्व है जिसकी वजह से जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसे प्रतीत होता है। तो आत्मा को असंग कहा गया है, असंग माने कनेक्टेड नहीं है किसी के साथ भी, आत्मा का रियल फॉर्म क्या है वो असंग है, असंगो ही अयम आत्मा, अनरिलेटेड है वो। परंतु अविद्यावश पुरुष और प्रकृति में क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, है ना। मैंने क्या कहा सर, अविद्यावश संयोग हो जाता है, इस मेरे वाक्य में ही मैडम अविद्यावश संयोग हो जाता है, संयोगस्य कारणम किम अविद्या। अब मैं कह रहा हूँ संस्कृत में कहूँ दुखम अस्ति, हाँ अहम दुखम सर्वे दुखम अनुभवन्ति, दुखस्य कारणम किम संयोग, कयोः संयोगः प्रकृति पुरुषयोः संयोगः दुःखस्य कारणम्, संयोगस्य कारणम् किम् अविद्या, अविद्या अविद्याया, अगर मुझे दुख निवृत्ति करना है तो किसकी निवृत्ति करनी होगी, अविद्या, दुख इफेक्ट है और उसका कारण कौन है, अविद्या, हाँ अविद्या की निवृत्ति कर, नहीं दुख की निवृत्ति करनी है तो संयोग, संयोग की निवृत्ति करनी है तो अविद्या की, अविद्या की निवृत्ति करनी है तो क्या करना होगा, आत्मज्ञान, विद्या, विद्या। अगर मुझे डार्कनेस को रिमूव करना है तो किस क्या करना होगा, तो ज्ञान, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, अज्ञान से संयोग नष्ट होता है, संयोग से संयोग नष्ट हो जाए तो संसार नष्ट होता है, संसार का दुख है, दुख सुख मोहात्मक है संसार, तो इस दुख सुख मोहात्मक संसार से विनिवृत्त होना है तो संयोग से विनिवृत्त होना होगा, अगर संयोग से विनिवृत्त होना होगा तो संयोग के कारण अविद्या से विनिवृत्त होना होगा, अगर अविद्या से विनिवृत्ति मुझे चाहिए तो विद्या की ज्योति जगानी होगी, ये शंकराचार्य का।
अब विद्या क्या है? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान का विज्ञान। वो अलग से हुआ ही नहीं, अलग से अलग हुआ। कौन? जो संयोग या वियोग है, इसी के ज्ञान को ही तो विद्या या इसी के ज्ञान को तो विद्या है। वो कारण कार्य थोड़े ना, एक ये हुआ, एक जिसका ज्ञान, जिसका ज्ञान हो रहा है और एक उसी को कह रहे हैं जिसका कारण। हाँ, तो एक ही चीज है, नोअर और नोन की डुअलिटी को आप समझ जाओ। ड्वेलिटी को समझोगे कैसे? ड्वेलिटी को आपने ये कर रखा ना, इंटरमिक्स कर रखा है, मिक्स कर रखा है, तो उस अज्ञान को हटाने के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत। ज्ञान का मतलब विवेक का ख्याल। दो ही लेयर है। कौन सा? तीन लेयर कैसे रहते हैं? अच्छा, तीन लेयर का मतलब क्या हो गया? देखो कि सबके अनुभव में ये आता है, सबके अनुभव में ये आता है, और सबके अनुभव में ये भी आता है। ज्ञान का विज्ञान हमें हुआ रहता है, इदम के रूप में जिसको मैं देख रहा हूँ, अहम के रूप में जिसको मैं जान रहा हूँ, नोअर और नोन ड्वेलिटी हमें रहती है। इसको फोकस करना चाहते हैं कि ये जो है संसार का निर्माण कैसे हुआ। तो प्रकृति के दो अंश हैं, एक मैनिफेस्ट प्रकृति और एक अनमैनिफेस्ट प्रकृति। अगर आप कहना चाहें तो प्रकृति पुरुष विवेक कह लीजिए, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कहना चाहें प्रकृति के दो अंश हैं, व्यक्त और अव्यक्त। क्यों? आइडिया क्या है? यहाँ बुद्धि और मन भी है, कहीं आगे आएगा बुद्धि और मन इनमें, क्योंकि घटपट आदि पदार्थों से भेद तो मुझे पता ही है। बुद्धि और मन और शरीर के साथ की दिक्कत है ना, तो ये जगत का व्याख्यान करना चाहते हैं। तो एग्जिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ये बॉक्स हैं सर, ये अनेक पुरुष हैं, ये उनमें से ये और इनका टाइप अलग है, ये जान जाओ। ये ज्ञान ही मोक्ष का साधक है। ऐसे में अब हमें किसको जानना है? व्यक्त को। अब हमें किसको जानना है? अव्यक्त को। अब हमें किसको जानना है? ज्ञान को। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है। ठीक है, ये दोनों शरीर है, व्यक्त शरीर भी कह सकते हैं। हाँ, इसको शरीर कह देते, क्योंकि ये चेंजेबल है ना, चेंज होता है, जो जिस रूप में है उस रूप में, जिसमें परिणाम होता है, जिसमें परिणाम होता है ना मैडम, वो ये है। अब हम जिसको सहना पड़ता है, जिसको भोगना पड़ता है, ये बिल्कुल। तो दुख त्रय अविवेक है ना, यहाँ से शुरुआत हुई थी। बाद में मैं थोड़ा सा अंत में एक टेक्स्ट भी बताऊंगा, संस्कृत का उन शब्दों से भी परिचय हो जाए। तो अब आप देख लें कि ये एग्जिस्टेंस क्या है। देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पुरुष है ना, ये सब नेट से लिया मैंने, ये पुरुष है। पुरुष के लिए क्या शब्द लिखा? कॉन्शियसनेस। अब यहाँ प्रकृति लिखा। अब आप कल्पना कर लीजिए, सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले की कल्पना कर लीजिए कि एक बात यहाँ, एक मिनट के लिए और कह रहा हूँ, तीन तरह के वाद हैं इस जगत में। कितनी तरह की वस्तुएं हैं योग दर्शन में? आप थे दो तरह की वस्तुएं हैं संसार में, एक चेतन है और एक जड़ है। चेतन और जड़ के अलावा कुछ है संसार में? जो रियलिटी है ना, जो एग्जिस्टेंस है, उसमें दो तरह की चीजें हैं, चेतन और अचेतन। चेतन और अचेतन। अब प्रीति ये बताओ कि ये चेतन कहाँ से आया, अचेतन कहाँ से आया? जो भौतिकवादी है, आधुनिक विज्ञान भी है, वो क्या कहता है? ये सब के सब किससे उत्पन्न हुए हैं? मैटर से। हमारा सांख्य दर्शन कहाँ स्टैंड करता है? वो एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं है। देखिए एक मैटर है ना, मैटर है। अब हम देखते हैं इस मैटर से ही कॉन्शियसनेस भी उत्पन्न हुआ और मेटेरियल वर्ल्ड भी उत्पन्न हुआ है ना? जो चेतन जगत है वह भी कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैटर से। और जो अचेतन जगत है वो भी मैटर से उत्पन्न हुआ। चार्वाक आत्मा किसको कहता है? बाय प्रोडक्ट है ना। जैसे पान में क्या कहते हैं, कत्था सुपारी, पान में अलग अलग प्रकार के द्रव्य मैं डालता हूँ, उसके बाद पान में एक अलग प्रकार का रंग उत्पन्न हो जाता है। चार प्रकार की वस्तुएं मैंने वहां रखी कि पांचवी वस्तु उत्पन्न हो जाती है।
पांच होता है इसको, रंग में क्या होता है अलग अलग तरह के रंग डालेंगे उसमें, चार रंग के अलावा तो पांचवा रंग कत्था रंग इसको कहते हैं। तो ये कहते हैं कि सिर्फ मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स को मैं कुछ एक विशेष अनुपात में रखता हूँ तो उससे चेतन उत्पन्न हो जाता है, चैतन्य। आप सबने सुना होगा गोमयात वृष्टि कहा जायते, गोबर से बिच्छू पैदा हो जाता है। आप एक बॉटल में गोबर को रखिए, बॉटल से ही एक बिच्छू पैदा हो जाएगा। तो किससे पैदा हुआ? गोबर में ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते होंगे, कॉम्बिनेशन होता हो। तो भौतिक पदार्थों का एक विशेष प्रकार के कॉम्बिनेशन की वजह से कॉन्शियसनेस भी उत्पन्न हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर इटसेल्फ। तो मूल में क्या है? मैटर है। इसीलिए जिसको मैं कॉन्शियसनेस कह रहा हूँ वो भी अल्टीमेटली मटेरियल है। मैटर तो मटेरियल है ही है, जो कॉन्शियसनेस है। हम और आप भी मूलतः किससे बने? जड़ से बने हैं। जड़ की सृष्टि है ये, जो जड़ दृश्यमान जड़ जगत तो जड़ की सृष्टि है ये, पर चेतन भी जड़ की ही सृष्टि है अलग अलग अनुपात की वजह से। ठीक है सर, इतना मैं कन्वे कर पाया? तो चेतन भी जड़ से उत्पन्न हुआ और अचेतन भी जड़ से उत्पन्न हुआ। एक पोजीशन है किसकी? जो मटेरियलिस्ट है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको? चार्वाक कहते हैं, भौतिकवादी दर्शन है। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, अच्छा एक एक्सट्रीम पोजीशन क्या है कि कॉन्शियसनेस है आत्मा, उस आत्मा से ही कॉन्शियसनेस वर्ल्ड भी उत्पन्न हुआ और उसी आत्मा से मैटर भी उत्पन्न हुआ है। एक्सट्रीम पोजीशन है ये। पोजीशन किसका है? वेदांत, अद्वैत वेदांत। ये सारा का सारा चेतन संसार भी उसी से उत्पन्न हुआ, जड़ संसार भी उसी से उत्पन्न हुआ, अंत में विलीन किसमें हो जाएगा? कॉन्शियसनेस। केवल ब्रह्म ही, चैतन्य ही एकमात्र सत्य है, उसी से ही दोनों प्रकार के जगत का विकास हुआ है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन कहता है कि ये आपको कौन कान में धीरे से कह गया है कि अल्टीमेटली स्रोत को एक ही होना चाहिए। पुरुष और प्रकृति अपने अपनी प्रकृति में, पुरुष और प्रकृति अपने स्वभाव में इतने भिन्न हैं कि ये दोनों एक जगह से आए हुए नहीं हो सकते, है ना? आदमी और चिंपंजी चलो मिलते हो तो कहोगे कि इनकी संतान, ये इनकी इनके एंसेस्टर्स एक ही होंगे, समझ में आता है। पर कहोगे आदमी और समुद्र एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ, कैसे मानेंगे? वो एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि वो एक स्रोत से आए हुए नहीं हो सकते। इसीलिए प्रकृति किससे आई है? कॉन्शियसनेस के दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। क्या क्या? माइंड एंड मैटर। ये क्या है? पुरुष है। और ये क्या है? प्रकृति। जो भी नोअर है ना, जो भी चेतन है वो यहाँ से आया हुआ है और मैटर यहाँ से आया हुआ है। ठीक है ना? ये पोजीशन समझ लेना चाहिए। इसको कहते हैं द्वैतवाद। ये भी अजय जी एक तरह का अद्वैतवाद है। ये भी एक तरह से देखा जाए एक्सट्रीम सर अद्वैत कॉमन सोर्स। अपनी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ये भी एक तरह से मोनिज्म है ना, ये मैटर मोनिज्म है, ये कॉन्शियसनेस मोनिज्म है, अद्वैतवाद। काव्य प्रकाश है ना मैडम, काव्य प्रकाश में एक बहुत परिहास है। वो कहते हैं कि प्रासादेसा, प्रासाद माने भवनों में ही, भवनों में वो आजकल वही दिखती है। प्रासादेसा पथि पथि च सा, जिधर भी रास्तों में निकलो वही दिखाई दी जाती है। प्रासादेसा पथि पथि च सा यत्र कुत्रापि सैव, जहाँ जाओ वहीं वो दिखाई दे जाती, मिल जाती है। कह रहे सा 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 कहते हैं ना संस्कृत में, सा माने स्त्रीलिंग का शब्द है। हाँ, तो बहुत एक्सप्रेशन भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो कहते सा 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 जगत ही सकेले, सारे जगत में वही 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 दिखाई देती है। एक होते तो तू, हाँ। फिर वो अंत में कहता है ये नए तरीके का अद्वैतवाद आ गया, कोयम अद्वैतवाद, उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। उसी सेंस में कह रहा हूँ ये भी एक तरह का अद्वैतवाद है। और ये क्या सांख्य को द्वैतवाद कहा जाता है, क्योंकि दो तरह के अनुभव में आने वाली वस्तुएं दो तरह के स्रोत से आए हुए हैं,
ये जो माने ना उसको ड्वेलिज्म कहते हैं। एक बात और करें, देखिए ये क्या कहते हैं कि जब ये कार्य नष्ट हो जाएगा तो कहाँ विलीन हो जाएगा? उपादान कारण में। कार्य हमेशा अपने उपादान कारण में विलीन हो जाता है। घट कहाँ जाके विलीन होगा? मिट्टी में जाके, यही तो होगा ना। अच्छा, ये भी जा करके कहाँ विलीन होगा? कॉन्शियसनेस में। ये भी जा करके कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाएगा। अंत में कौन रहेगा? कॉन्शियसनेस। यहाँ कह रहा है कि कॉन्शियसनेस जब विलीन हो जाएगा, मैटर। बहुत लोग कहते हैं कि ये अंतिम जीवन है, जो करना हो इसी जीवन में कर लो, लास्ट लाइफ है। आजकल लोग इसको बहुत उससे कहते हैं, दिस इज द लास्ट लाइफ, तो इसी में जो कुछ करना हो, एंजॉय करना हो कर लो, कोई लाइफ है। तो ये जा करके कहाँ मिलेंगे? मैटर में। जा करके मैटर में मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? एक शब्द से मैं अभी परिचय करा देना चाहता हूँ, योग का और सांख्य का शब्द है। एक होता है प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं? उत्पन्न होने को प्रसव। इसका प्रसव कहाँ से हुआ है? यहाँ से। इसका प्रसव कहाँ से? अगर प्रसव शब्द कहें तो इसका यहाँ। अच्छा, रिवर्टिंग बैक एक शब्द है ना, रिवर्टिंग बैक। जब मैं मुक्त में हो जाऊँ, मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाऊंगा, तो क्या है इसको कहते हैं? प्रति प्रसव। क्या कह देते हैं? प्रति प्रसव कहते हैं। प्रति प्रसव ही मोक्ष है। प्रति प्रसव, रिवर्टिंग बैक। अब जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इससे ये आया, इससे ये आया, ये बताना चाह रहा हूं मैं। अब सारा विकास कहां से होता है? ये तो रिमेन, इससे कोई पैदा नहीं होता, ये तो एज इट इज है। सारा विकास कहां से होता है? यहां से, मैटर से होता है। तो आप समझ लीजिए, मैटर एंड मैटेरियल, ऐसा कह रहे हैं सर, मैटर एंड मैटेरियल। अच्छा, मैटर शब्द का प्रयोग कई बार क्या होता है? पार्टिकल्स के लिए होता है ना सर, वहां ये नहीं है। पार्टिकल जिसको हम अणु कहते हैं, वो तो बहुत की अंत में जाकर के, सांख्य और वेदांत की सृष्टि प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ होती है। इसको हम यहाँ देखेंगे, बस लगभग समय। अब ये देखें, ये देखें, दो तरह की चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। अब हम उस प्रकृति की बात कर रहे हैं जो क्या है? अनमैनिफेस्ट है। इसको क्या कहते हैं? प्रिमोर्डियल मैटर। प्राइमोर्डियल मैटर। अब ये सब कैसे प्राइमोर्डियल नहीं है, ठीक है सर, समझने के लिए। इससे इस सारा का सारा जगत विकसित हुआ। प्रकृति और पुरुष में क्या हुआ? संयोग। संयोग हुआ। देखिए, संयोग से ही तो सृष्टि होती है। प्रकृति और पुरुष में संयोग हो गया। प्रकृति पुरुष स्वयं में असंग है। अगर असंग है तो संयोग कैसे हुआ? उसकी रिफ्लेक्शन पड़ी है अविद्या की वजह से, है ना। अविद्या, अविद्या कृतः संयोग। पुरुष और प्रकृति के बीच में अविद्या के कारण संयोग हो गया। जैसे ही संयोग हो गया ना, प्रकृति क्या है? देखिए, प्रकृति यह है। किसकी अविद्या के कारण? मैंने बताया ना, पता चलते ही बता दूंगा। थोड़ा सा आगे प्रयास भी करूंगा मैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है अभी। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी समझ लीजिए, अविद्या कोई फिनोमेनन है। सबकी अनुभूति में आता है ना अविद्या, अहम अज्ञा, इस रूप में ये अज्ञान कहाँ से आया? मूल कोई ना कोई अविद्या तो होती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को अविद्या अज्ञा समझते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये है प्रकृति। प्रकृति में ये क्या क्या है? सत्व, रजस और तमस, ये सब के सब, है ना। अच्छा, अब प्रकृति में क्या है कि ये जो, इसको अगर आप पार्टिकल कहना चाहें तो कह लीजिए। अभी प्रकृति के सत्व, रजस, तमस ये द्रव्य हैं। इसमें परिणाम एक स्वाभाविक धर्म है, ये परिणाम होता है। पुरुष ये है, पुरुष में स्टैटिक है, कोई परिणाम नहीं। अस्तित्व के दो भाग हैं, पुरुष अपरिणामी है, कभी भी परिणाम नहीं होता है। इसमें परिणाम होते रहते हैं। इसके परिणाम को दो शब्दों से कहा जाता है सर, एक सम परिणाम और एक विषम परिणाम। सम परिणाम कब होता है? जब
अपने आप में ही, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग नहीं भी होता है ना, विद इन चेंजेस होते हैं, मतलब ये अपने आप में ही परिवर्तित होता रहेगा, ये आपस में इन सब में कांटेक्ट नहीं होता आपस में भी, इंटररिएक्शन इंटरनली प्रकृति पुरुष प्रकृति के इन गुणों में सम परिणाम हो जाता है। जैसे अब जैसे मान लीजिए कि ये जो है लुढ़कता रहे अपने आप में ही बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए, चीज़ें लुढ़कती रहती है मान लीजिए, समझ लीजिए एक एक, और एक क्या उसका होता है जब फ्री फॉर ऑल हो जाए, पार्लियामेंट हो जाए, तो एक इसको कहते हैं सम परिणाम। और प्रकृति और पुरुष में जैसे ही संयोग हो जाता है तो क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो प्रकृति के जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, सत्व रजस तमस, ये सब के सब एक दूसरे के भिड़ंत में आ जाते हैं, उसको कहते हैं वैषम्य। क्या कहते हैं? वैषम्य। तो वैषम्य की वजह से भी परिणाम एक दूसरे के परिणाम को भी इफेक्ट करते। कैसे लिखेंगे वैषम्य? विषम सम परिणाम और विषम परिणाम। सम परिणाम, सम परिणाम कब होता है? विद इन। विषम परिणाम कब होता है? जब सृष्टि में विषम पर एक शब्द का प्रयोग में भूल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम एक शब्द होता है, कि जब संसार नहीं होता है तो ये इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो सम परिणाम इज इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, विषम परिणाम इज हेटेरोजेनस चेंज। नहीं, इक्विलिब्रियम इज जब संतुलन में, संतुलन में हो ना, संतुलन में है, बैलेंस में, होमोजेनस चेंज में अपने ही अपने में चेंज होता है, हां, दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, हेटेरो में रिलेटिव चेंजेस होते हैं एक दूसरे में। मानिए कि मैं अपने ही विचारों में रमा हुआ हूं, तो विचारों की श्रृंखला से मैं गुजरता हूं ना, कोई सूचना आ गई तो मेरे विचार को परिवर्तित कर देगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। हाँ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल एंड द मैटर प्रिंसिपल, द इक्विलिब्रियम ऑफ द मैटर प्रिंसिपल इज डिस्टर्ब्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मूवमेंट किसकी होती है? मूवमेंट केवल और केवल प्रकृति का ही धर्म है, पुरुष निष्क्रिय है। और नहीं, प्रकृति तो जड़ है, तो मूवमेंट कैसे? नहीं, उस जड़ में ही मूवमेंट होता है, ये तो सांख्य का सिद्धांत है ना, जड़ में जो रजस है ना, उसमें क्या हो जाता है? क्रियाशीलता हो जाता है रजस। तो ये प्रकृति पुरुष के पास है ना कि पुरुष कोई असंग जो अविद्याकृत है ना, अविद्याकृत है, अविद्याकृत है। जब हम अहम को इदम से जोड़ लेते हैं तो अविद्या। नहीं, एक्चुअली जो सांख्य की जो बहुत विशेषज्ञ लोग हैं ना, इसकी व्याख्या अच्छी करते हैं, इसकी भी व्याख्या कठिन पॉइंट है, मेरा मतलब ये मैं कभी तैयारी करके आऊंगा तो अविद्या का जो फिनोमेना है ना, कठिन है किसी भी उसमें, इसलिए मेटाफिजिकल अविद्या कह रहे थे। एक तो फंक्शनल अविद्या है, फंक्शनल अविद्या की वजह से मुझे विषयों के बारे में इग्नोरेंस होता है, मेटाफिजिकल अविद्या होती है ट्रांसेंडेंटल, उसको वासना कह देते हैं, अनाधिकृत सर्ग है ऐसे। तो क्या बताते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या हो जाता है? क्याओस हो जाता है, अब सृष्टि आरंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपोथेटिकल हो भी सकता है, बट इफ यू लुक एट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें है कि सब चीजों की दे मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ नॉट अनकंडीशन, वहां पे बोलते हैं क्या बोलते हैं सर, एक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, नहीं अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट भी नहीं होता, तो थर्मोडायनेमिक्स में एवरीवन kind of goes back to a state of I'll refer to that. तो वहाँ पे भी साइंस में ये आता है phenomenon thermodynamics का, इसको हम अगर हिंदू philosophy अपनी philosophy देखें तो प्रलय बोलते हैं ना, सब कुछ इकट्ठे मिल जाता है वो और वहाँ चले जाता है, फिर दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है। तो thermodynamics के law में भी वैसे ही something, if you look at Newton's laws of motion, वो तीनों गुणों से यू कैन काइंड ऑफ डू ए वन टू वन कोरिलेशन बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड सत्व रजस तमस को, है ना। अब देखें, अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रकृति, ये पुरुष है और यह
प्रकृति है। प्रकृति में कितनी चीजें हैं देखें, प्रकृति में तीन तरह के धर्म हैं, सत्व रजस और तमस। अब इन दोनों में क्या हो गया, संसर्ग। अब इससे ये सूक्ष्मतम है ना, सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल होती चली जाती है, ये जो कॉन्क्रीट वर्ल्ड है इस तक आने के लिए। तो अब इससे सबसे पहली सृष्टि क्या हो गई, महत। महत संयोग हुआ तो परिणाम हुआ, तो प्रकृति में हुआ ठीक है, पुरुष में भी हुआ। पुरुष को लगा कि मेरे में प्रकृति की वजह से लगता है, पुरुष की वजह से तो इंडिविजुअल पुरुष का निर्माण हो रहा है। पुरुष क्या है, पुरुष का विशेषण, इसका कोई परिणाम। देखिए दो तरह से देखा जा सकता है, देखिए दो तरह से देखा जा सकता है, वेदांत में इसका एग्जांपल आता है। जैसे जैसे देखिए कुछ जगह जो है ना, जैसे आकाश है, आकाश है, जैसे शमशान भूमि है उसको हम अपवित्र मानते हैं ना, शमशान भूमि अपवित्र मानते हैं ना वैसे, पर अब शमशान भूमि में जो चीजें पड़ी हुई हैं उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। शमशान भूमि में आकाश भी है, आकाश चाहे देवता के मंदिर में हो चाहे शमशान भूमि में, आकाश अस्पृष्ट रहता है, असंग रहता है। आकाश आकाश कहीं भी होगा तो उसकी प्योरिटी बाधित नहीं होती है। एक बार को आप कह सकते हो कि भाई ये तो शमशान भूमि का आकाश है, आकाश अस्पृष्ट रहता है इन सब चीजों से। ऐसे ही आत्मा स्वभावतः असंग है, अगर आत्मा को संग बोध होता है तो अविद्या के वजह से ये इनका। वायु भी शमशान भूमि से आती है तो हमारे घर में भी आ सकती है, दो किलोमीटर उसको हम वायु को कह सकते अब इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये सरल है, तो प्रकृति से सबसे पहली सृष्टि किसकी हो गई, इसको हमेशा साथ रखिएगा अगर सांख्य दर्शन पढ़ना है, यही सांख्य दर्शन। तो प्रकृति का पहला भेद क्या है, महत है। महत से किसकी उत्पत्ति हुई है, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्रकृति में तीन तरह के गुण हैं मैडम, है ना, सत्व रजस तमस। प्रकृति की जो पहली सृष्टि उसमें भी तीनों तरह के गुण रहेंगे, ये जरूर है कि इसमें सत्व की मात्रा अधिक है बुद्धि में, हाँ। तो उसमें मान लीजिए कि सत्व गुण जो है 90% है, और बुद्धि में भी जो वैरायटीज होती है ना, इस बात पर डिपेंड करता है कि किस बुद्धि में सत्व गुण ज्यादा है। अभी इसको समझने का देखिए, तो महत है, महत के बाद किसकी उत्पत्ति हुई, अहंकार, अहंकार की, हाँ। इसको ईगो और जो भी कहा, ईगो है अहंकार। अब यहाँ देखें इस अहंकार में भी तीनों तत्व हैं, हम तो पढ़ चुके हैं सर, अहंकार में भी तीनों एलिमेंट, सब में तीनों एलिमेंट है, अहंकार में भी तीनों एलिमेंट है। इसका मतलब अहंकार में सत्व का एलिमेंट भी है, रजस का एलिमेंट भी है और तमस का एलिमेंट भी है। इसके आधार पर तीन तरह की सृष्टि होगी, तीन ब्रांचेज हो गए, किससे, अहंकार से। अहंकार का जो सात्विक अंश है ना मैडम, जो आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, अहंकार कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ गुणाज, सत्वगुण रजोगुण एंड तमोगुण। तो अहंकार का जो एक तो है तामसिक भाग, एक है राजसिक भाग और एक है सात्विक भाग। अहंकार के सात्विक भाव से तो किसकी सृष्टि हो गई, मनस और ज्ञान, मनस की, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की, ठीक है ना, क्योंकि ये इन सब से प्रकाश होता है ना, सत्व का कार्य क्या है, प्रकाश होना है। अब इसमें माइंड की उत्पत्ति हो गई और इस सब की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, तामसिक भाग से किसकी उत्पत्ति हुई, पांच तन्मात्राएं, पांच तन्मात्राएं, पांच महा तन्मात्रा। बाय द वे किसे कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में जानते हैं ना, तो पृथ्वी में केवल पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जो भूत है उसमें पृथ्वी प्लस, देखिए पंचीकरण का सिद्धांत कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, जो कॉन्क्रीट, इसको भूत कहते हैं, पंचभूत। तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पृथ्वी ओनली नहीं है, पृथ्वी में 50% एलिमेंट्स तो पृथ्वी से हैं, और ये 12.5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, और बाकी के 12 वो है,
तो 50% इसका अपना है और बाकी 50% बाकी चार से लिया हुआ है, तो 50%। इसका मतलब जिसको हम पृथ्वी कहते हैं संस्कृत में एक नियम है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। सपोज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी अकेले आते हैं, कन्वॉय आते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो कई लोगों के बीच में आते हैं, हाँ, तब आप क्या कहते हो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो प्रधान से व्यपदेश होता है इसमें, क्योंकि 50% अंश पृथ्वी का है इसलिए ये क्या कहलाता है, पृथ्वी इसको नाम दिया जाता है, बाकी में भी सब ऐसे है। तो जल में पृथ्वी का 12.5% होता होगा या नहीं होता, पता सबका। जल में जिसको हम कंक्रीट भूत जल कहते हैं ना, उसमें 50% जल का है, बाकी चार। बाद में भी दिखा, उसको दिखा जा जब गुण बोलते हैं तो पृथ्वी में वो रूप रस गंध स्पर्श सभी होते हैं, वायु में सिर्फ स्पर्श होता है, जल में वो भी इसी से रिलेटेड है। बढ़ते चले जाते हैं ना उसमें, इसलिए किसी में चार गुण पाए जाते हैं, वेदांत में इसकी चर्चा आती है। अभी के लिए हम इसमें, मैं तन्मात्रा शब्द को बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब क्या हो गया मैडम, पृथ्वी प्लस अन्य चार, और जल का भी मतलब जल प्लस अन्य चार, प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से पहले जहाँ आकाश है ना, आकाश मात्र, दैट ओनली, तन्मात्र शब्द का अर्थ होता है दैट ओनली, ठीक है, दैट ओनली। इसका मतलब ये पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले कोई पृथ्वी थी जो पूरी तरह से पृथ्वी है। अच्छा, ओके, तो अहंकार के तामसिक अंश से, देखिए अहंकार के सात्विक अंश से गुणों में क्या हुआ, ये 5 5 + 5 5 कर्म इंद्रिय और मानस, ये चीजें किससे उत्पन्न हुई, इसके अहंकार के सात्विक अंश से। अच्छा, अहंकार के तामसिक अंश से किसकी उत्पत्ति हो गई, तन्मात्र का मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये इसके प्योरेस्ट फॉर्म में, बाद में तो उनकी प्योरिटी बाधित हो गई ना, केवल आकाश मात्र। तो यहाँ इसको आप कह लीजिए, इसको आकाश तन्मात्रा, आकाश तन्मात्रा और जल तन्मात्रा, ऐसे ऐसे करते चले जाइए 5 5। पर ये सटल फॉर्म में, सटल फॉर्म में है ये, सूक्ष्म, इसको कहते हैं सूक्ष्म भूत, और बात वाले को क्या कहते थे, महाभूत, स्थूल भूत, है ना। तो देखिए इसको तन्मात्र शब्द, तन्मात्र शब्द का अनुवाद किया दैट ओनली। अब ये जो पृथ्वी है दैट प्लस अदर्स है ना, तो इसलिए तन्मात्र शब्द का प्रयोग मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तन्मात्र की सृष्टि हुई, देखिए अहंकार के तामसिक अंश से किसकी सृष्टि होगी, पांच तन्मात्राएं, और इन 5 तन्मात्राओं से किसकी सृष्टि होगी, 5 भूतों की सृष्टि हो गई, ठीक है सर। भूत शब्द का, भूत शब्द तो वैसे सामान्य रूप से कई बार दार्शनिक साहित्य में प्राणियों को भी भूत कह देते हैं, भूत का मतलब जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंशियल है, भूत धातु से बना हुआ, तो 5 है ना। अब आप देखिए इसके बाद में किसकी सृष्टि हो गई, सर रजस से क्या हुआ, हाँ, रजस से कोई सृष्टि नहीं होती है, फिर रजस का क्या रोल है इन सब में, हाँ, क्या शब्द होता है, कैटलिस्ट, मतलब बिना क्रिया के कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है, बिना क्रिया के, और इनमें तो क्रिया नहीं हो सकती सत्व गुण में और रजोगुण में, तो सत्व गुण में और तमोगुण में, सत्व और तमोगुण को आवश्यकता है किसी हेल्पिंग हैंड की, तो रजस सत्व की भी सहायता करता है और रजस तमस की भी सहायता करता है, तभी सृष्टि होगा। इन्फिनिट रेगुलेस हो जाएगा, कैसे, इनको आवश्यकता हमने प्रोजेक्ट करके फिर उसकी में किसी और की आवश्यकता, फिलोसॉफिकल किसी में सफिशिएंट, हाँ, किसी भी सिस्टम में ना, जब हम सिस्टम बनाते हैं ना
तो उसमें मान लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि रजस की मतलब आपको एक रजस को एक रोल देना है, रजस ने क्या किया, इनमें क्रिया हो नहीं सकती, एक में प्रकाश हो सकता है, तो इसको प्रकाश, एक तो प्रकाश, एक प्रकाशित होना तो क्रिया है ना, तो इसको जनरेट करने में रजस की भूमिका होती है ऐसा कहा जाता है। और भी देख लूँगा इसमें कुछ और भी उपाय है, तो अभी तो शायद मेरे को ऐसे लग रहा है कि रजस की एक भूमिका है सत्व सत्व देख लूँगा मैं, तो रजस और ये है ना, मैं इतना बता पाया। अब लगभग समाप्त हो गया। अब देखिए इसके बाद कोई सृष्टि नहीं होती है, परंतु इसके बाद सृष्टि तो होती है, चेयर बना है, भूत सिद्ध बना है, तो कहते हैं कि तत्वांतर नहीं होता है, ये तत्वतः अलग अलग वस्तुएं हैं, उसके बाद तो इनको मिक्स कर देते हैं, इसीलिए नया कोई तत्व नहीं उत्पन्न होता है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं एक तो भूत सृष्टि है और ये भौतिक सृष्टि है। परमाणु होंगे मेरी दृष्टि से, परमाणु इन दोनों में से कहीं चला है, जो सांख्य और सांख्य और योग ना, जिसको परमाणु कहता है, मुझे तो लगता है वैशेषिक को इसको बोलता है, इसको कहता है, इसको बोलता है वैशेषिक का, ये सारा ही फिर ऑब्जेक्ट होगा। हां, पूरा ये सृष्टि का प्रकार, इसको अव्यक्त कहते हैं कि समग्रतः अव्यक्त कौन है, ये जिसको अव्यक्त कहते हैं ना, मूल प्रकृति को कहते हैं। अब मुझे बाइंड अप करना है, मुझे एक बार खेल लीजिए, ये है, ये भूत है, इसके बाद भी जो सृष्टि है ना सर, वो क्या है, भौतिक है, तो भौतिक कोई सृष्टि नहीं है, भूत को मिला दो तो भौतिक हो जाता है, तो यद विद्या विलास है ना, भूत भौतिक सृष्टय, ऐसा कहते हैं कि भूत सृष्टि भौतिक सृष्टि, भूतों से तत्वांतर, यहाँ से चूंकि कोई तत्वांतर नहीं होता। अब मुझे बताइए कितने तत्व हो गए टोटल, 25 हो गए ना, देख लिया 25 तत्व हो गए। अब इसका मतलब मुझे अगर जानना है तो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा को जानना है, ये पूरे मिला करके कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो जो फिलोसॉफी ऑफ नंबर्स है सांख्य दर्शन, संख्या का दर्शन है ना, तो इन पंचविंशति तत्वों को अगर मैं जान जाता हूँ तो मैं समस्त दुखों से निवृत्त हो जाता हूँ। इसको समझने में बहुत दुख होता है। क्योंकि देखिए ना, ये लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है जब तक क्रिया नहीं होगी ना, एग्जिस्टेंस की व्याख्या कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में जब भी किसी चीज़ की पैदाइश होती है वहाँ क्रिया होनी पड़ती है। एक वस्तु से घट से नहीं, मिट्टी से घट बनेगा ना, तो वहाँ कोई ना कोई मोबिलिटी चाहिए ना, और मोबिलिटी किससे संभव है, इनके अनुसार क्या है, रजस का धर्म है मोबिलिटी। सर यहाँ पर भी अज्ञान मान प्रकृति का संयोग हो तो अज्ञान मान लिए, पंचविंशति तत्त्वज्ञः यत्र कुत्रापि वै वसन्। पंचविंशति माने 25, पंचविंशति तत्व माने पंचविंशति तत्वज्ञः, अगला शब्द है यत्र कुत्रापि वै वसन्, वो चाहे कहीं भी रह रहा हो, किसी भी सिचुएशन में सिचुएटेड हो, इम्पोर्टेंट क्या है, उसको ज्ञान हो गया हो, तो जटी मुंडी शिखी वापी, या तो उसने जटा धारण कर रखा हो, कोई मैटर नहीं करता है, मुंडी हो या शिखा धारण कर रखा हो या दाढ़ी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये एक तरह से सूक्ष्म एक प्रत्याख्यान है शंकर दर्शन का, क्योंकि शंकर के अनुसार मुक्ति के लिए संन्यास आवश्यक था, संन्यास के बिना ये हो सकता है, संन्यास मतलब संन्यास आश्रम में अगर आप हैं तभी मुक्ति संभव है। इन्होंने कहा कि किसी भी सिचुएशन में हो, मूल बात क्या है कि आपको व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का विज्ञान अगर है कि नहीं, तो अगर व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का विज्ञान है तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, क्योंकि व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का विज्ञान का मतलब व्यक्त अव्यक्त एक जैसे हैं और ज्ञा इनसे भिन्न है, इसका ज्ञान है ना, प्रकृति के ये धर्म है, पुरुष के ये धर्म है, दोनों के धर्म एक दूसरे से
जुड़ नहीं सकते, इसीलिए प्रकृति को प्रकृति के रूप में समझ जाना, आत्मा को आत्मा के रूप में समझ जाना। जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानता है वह क्या है, उसके लिए एक घोषणा है, तरति शोकम आत्मा। जिसने आत्मा को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में जान लिया है तो संसार के तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है, यही मानव जीवन का ऐसा कहा जाता है। चेंज होना तन्मात्रा ई में होगा, एम में पंचभूत होगा, महाभूत होगा। There is a E is equal to MC square होती है जो Einstein, तो तन्मात्रा E form में होगी और पंच महाभूत M form में होगी। उसका तत्वांतर है ना।